नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि जुलाई 2024 के लिए। बुध के घर की राशि है मिथुन राशि, और अभी जो सिचुएशन चल रही है मिथुन राशि की, वो बहुत ही वर्स्ट चल रही है। मतलब प्रॉब्लम समस्या से आप घिरे हुए हैं, तो यहाँ जो प्रॉब्लम समस्या है वो कैसे हल होगी और किस हिसाब से ग्रहों की जो आगे की चाल है जुलाई महीने में वो कैसी रहने वाली है, उसके ऊपर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपकी राशि है उसमें कर्म स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी, ये दोनों हाउस का स्वामी अभी गुरु हुआ है, और दोनों स्थान का स्वामी जाके बैठा है अभी 12th हाउस में, 12वें स्थान में। 12वां स्थान होता है खर्चे का, कर्जे का, नुकसान का, समस्या प्रॉब्लम का होता है। तो यहाँ दोनों हाउस, मतलब सप्तम स्थान हो गया आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का, और कर्म स्थान जो आप काम कर रहे हो उसका। तो यहाँ दोनों का हाउस के जो स्वामी है वो गुरु महाराज 12th हाउस में जाके बैठे हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आपको नुकसान, कर्जा, खर्चे ज़्यादा है हो रहे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, या अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, या अपने बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड। तो ये गुरु जाके बैठा है 12th हाउस में। यहाँ तो गुरु महाराज पूरे बैठने वाले हैं आगे 2025 के मई तक, लेकिन इन बिटवीन जो छोटे ग्रह हैं उसकी भी चाल यहाँ जुलाई महीने में रहने वाली है। बुध यहाँ 30 जून को निकल जाएंगे। मिथुन राशि का बुध यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा था लग्नेश का, लेकिन वो यहाँ अभी आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध रहेंगे 19 तक, फिर बाद में वो सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। लेकिन इसके पीछे पीछे 7 जुलाई को शुक्र भी यहाँ आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, जो अभी बॉडी पे चल रहे हैं आपके इसके साथ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुक्र यहाँ अकेले हो जाएंगे, फिर बाद में 15 तारीख को सूर्य नारायण आएंगे। तो यहाँ शुक्र का बैठना ये एक पॉजिटिव साइन बोली जाएगी। यहाँ शुक्र बैठने से आपको धन की जो समस्या प्रॉब्लम हो रही है, रुपयों से जो समस्या की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ खत्म होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दो प्लैनेट्स का यहाँ धन स्थान में बैठना, ऑलरेडी पहले बुध बैठे थे लेकिन बुध निकल जाएंगे 19 सात को इसके सी राशि में आएंगे, तब तक तो बुध भी यहाँ बैठे रहेंगे 19 तारीख तक। तो तीन प्लैनेट्स का यहाँ बैठना सेकेंड हाउस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रुपयों से, पैसों से, बैंक से आपके काम बनेंगे, कुटुंब फैमिली अभी आपकी फेवर में रहेगी, कोई नए सोर्सेस से आपके इनकम बनती जाएगी, जो आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो पैसे भी यहाँ निकलने के पूरे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो ये तीन ग्रहों की चाल बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी आपका शनि भाग्य स्थान में चल रहा है, भाग्य स्थान में शनि 30 साल में एक बार भ्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं। 29 जून से शनि महाराज का यहाँ से वक्री भ्रमण होने वाला है। मंगल ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं मेष राशि में, लेकिन वो भी आ जाएंगे 12/7 को गुरु के साथ 12th हाउस में। तो ये एक आपको रेड सिग्नल, लाल बत्ती जिसको बोलते हैं, मंगल जब भी 12वें स्थान में भ्रमण करते हैं तो वो थोड़ा देख के संभल के चलने वाली बात होती है। कोर्ट कचहरी, आप जो व्हीकल्स चला रहे हो, जो गाड़ी चला रहे हो, उसको भी आपको देख के चलाना चाहिए। मंगल एक पाप ग्रह माना जाता है, और वो जब भी राशि चेंज कर रहे हो, जब भी 12th हाउस में आता है राशि से, तो यहाँ नुकसान, घाटा आपको करवा सकता है। यहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कराने के यहाँ चांसेस है मंगल के, इसलिए मंगल यहाँ 12th हाउस में भारी गिना जाता है। ये मंगल आपको काफ़ी डरा सहमा सकता है, नुकसान,
खर्चा आपका बढ़ा सकता है, क्योंकि वो वापस आपके सिक्स हाउस को भी देख रहा है। हालांकि वो खुद की राशि है, लेकिन फिर भी बारवा मंगल यहाँ भय चिंता नुकसान वापस वो बैठा है शुक्र की राशि में, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलना चाहिए। हालांकि बाजू में शुभ ग्रह है गुरु महाराज, लेकिन फिर भी यहाँ मंगल का भ्रमण इतना शुभ नहीं गिना जाता है। टेंथ हाउस में राहु चल रहा है, केतु चल रहा है यहाँ फोर्थ हाउस में, तो बिजनेस काम काज से ऑलरेडी आप परेशान हो, कहीं ना कहीं समस्या प्रॉब्लम आपको सता रही है, लेकिन यही राहु आपको बेताज बादशाह भी बना सकता है, अर्श मतलब फर्श पे बिठा सकता है, मतलब फर्श से अर्श पे बिठा सकता है, बहुत बड़ी ऊंचाई भी दे सकता है। दसवां राहु राजयोग कारक प्लैनेट्स होता है, लेकिन इसके लिए आपके जन्म के स्टार स्ट्रांग होने चाहिए। अभी जो कुंडली आपकी चल रही है वो बहुत ही पीड़ित चल रही है, लेकिन ये जो तीन प्लैनेट्स है वो आपको जान देने की कोशिश, मतलब आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा, आप जहाँ जहाँ तकलीफ समस्या आप देख रहे हो उसमें से यहाँ आपको बाहर निकालते हुए यहाँ तीन प्लैनेट्स नजर आएंगे। ये लक्की नंबर है आपके 8, 9, 12 और 15। आप अगर शेयर सट्टे जुआ लॉटरी से आप काम काज से जुड़े हो, आप लेते हो लॉटरी वगैरह, तो आपको ये महीने के अंदर ये 8, 9, 12 और 15 ये चार नंबरों को यूज करना है। आपके लिए लकी डेट्स भी है 10, 14, 18 और 28, ये चार डेट्स निकाली है मैंने जिस दिन आपको ये लकी मतलब लॉटरी खेलनी चाहिए। शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये दिन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ज़्यादातर अभी कॉमोडिटीज में ध्यान देना चाहिए, शनि ही शेयर बाजार का मेन कारक माना गया है और आपका शनि यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑलरेडी मिथुन राशि जो है वो बुद्धि से पैसे अर्जन करने वाली है, वो शेयर बाजार में मार्केट में इंटरेस्ट रखती है, तो यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ये जो भ्रमण चल रहा है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। आपको ये डेट्स के अंदर आपको शेयर वगैरह लेना चाहिए, जितने भी आपको कोयले से जुड़े हुए सेल के बारे में बात करता है, जो कोल है उसके शेयर आप ले सकते हो, लकड़ी के शेयर अभी आप ले सकते हो, उस कंपनी से जुड़े हुए आप शेयर अभी परचेज कर सकते हो। ये डेट्स के अंदर आपको बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। शनि मतलब तेल ऑयल से लगते हुए जो भी शेयर है वो उसके बारे में भी आप परचेज कर सकते हो, उसके शेयर लेके रख सकते हो। अचानक कोई बड़ा आपको धन लाभ शनि महाराज दे सकता है, क्योंकि शनि 30 साल में एक बार ये अपनी खुद की राशि में भ्रमण करते हो, तो शनि से जो जुड़े हुए जो भी शेयर है वो आपको लेने चाहिए। जैसे कोई लेबर के सेल है, मतलब लेबर से जुड़े हुए शेयर है, या फिर जैसे मैंने बताया ऑयल है, कोयल है, स्टील है, मतलब लोखंड है, उससे जुड़े हुए जितने भी शेयर है वो उसमें आप जा सकते हो। आप मतलब कोई मार्केटिंग से आईटी से जुड़े हुए शेयर है या मार्केटिंग से जुड़े हुए शेयर्स है उसमें जा सकते हो, वो भी आपको यहाँ बहुत अच्छे कमाई दे सकता है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट दे सकता है। ये लक्की नंबर आपके हैं ये महीने के अंदर, मिथुन राशि वालों के लिए कोई बड़ा धन लाभ आपको दे सकता है, क्योंकि अभी तीन प्लैनेट्स का धन स्थान में चलना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।